हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। ये वैनिश है जो जनरल स्टोर्स में आपको मिल जाएगा, और यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो मेडिकल स्टोर में मिलेगा। वैनिश के सैचेट के ऊपर लिखा होता है कि उसमें पानी ऐड कीजिए और उसको अच्छे से पेस्ट होने दीजिए। तो फिर मैं पानी ही यूज़ कर रहा था, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं कच्छ गुजरात से, इकबाल धोबी जी, उन्होंने कहा कि सर आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कीजिए, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो बस यही है, रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, ये जो मेडिकल पे यूज़ होता है, मेडिकल में मिल जाता है आसानी से, वो है ये। यानी आप यूज़ कर सकते हैं घर पर भी इसको बड़ी आसानी से। तो थैंक यू इकबाल धोबी जी हमें ये सजेशन देने के लिए। ये पेस्ट बन जाएगा क्या? तो वैनिश 10 मिनट के बाद में अच्छे से पेस्ट बन जाता है, मेल्ट हो जाता है अच्छे से। तो हम इसको स्टेन के ऊपर लगा सकते हैं। अब ये पेस्ट अच्छे से स्टेन के ऊपर लग जाने के बाद में हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। फिर उसके बाद में इसको नॉर्मली डिटर्जेंट पाउडर सोडा एश में वॉश करेंगे और फिर देखते हैं कि कितना स्टेन क्लीन हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम कौसर। इस साड़ी के ऊपर कलर स्टेन था, किस टाइप का स्टेन था, कलर था या कोई फॉस्फरस जो कुंकू होता है उसका स्टेन था, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन काफी हार्ड स्टेन था। मैंने वैनिश इसके ऊपर अप्लाई किया, ये इसके ऊपर यहाँ पे स्टेन था। तो मैं जो लाल कलर का जो स्टेन है वो कलर का स्टेन था शायद, मुझे भी गारंटी नहीं था ये स्टेन जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मेरा लक अच्छा था तो ये स्टेन 100% क्लीन हो गया है। तो मैं इसकी एक प्रोसेस शॉर्ट में आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो इसको मैंने पहले तो वैनिश लगाया, 10 मिनट तक रखा, फिर उसके बाद में मैंने उसको 10 मिनट के बाद में सोडा एश और डिटर्जेंट में वॉश कर दिया, तो जाके ये स्टेन गया है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इसमें जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी काम का है, वैनिश अप्लाई करना फिर उसके बाद में उसको अच्छे से वॉश कर लेना, तो इस तरह का स्टेन जाता है। मुझे भी मालूम नहीं था कि स्टेन जाएगा या नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता नहीं ये स्टेन जाएगा, लेकिन जाता है वो स्टेन। अगर हम पैशन से, अपने थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज से अगर अप्लाई करेंगे मटेरियल क्या, तो जरूर जाएगा। तो बस यही है, ऐसे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस में आपके साथ में लाता रहता हूँ, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी ऑन कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए। और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।